हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम लोग जो है जब न्यू मॉम बनने वाले होते हैं तो हम लोगों को शॉपिंग में बेबी के लिए क्या क्या परचेस करना चाहिए, क्योंकि जब आप न्यू मॉम बनने वाले होते हो तो आपको नहीं पता होता है गाइस कि हमें क्या क्या परचेस करना होता है। मेरी तरह आपको भी नहीं पता होगा, तो मैंने भी बहुत सारा रिसर्च किया, सबसे पूछा। स्टिल मैं मेरे को नहीं पता था कि क्या क्या चीज़ें इनको खरीदते टाइम भी आपको ध्यान रखनी होती है ना, तो ये चीज़ें मेरे को भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आई है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने क्या क्या गलती करी और मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी है। ठीक है, तो मैंने जो है, मेरे पेरेंट्स जो है वो इंडिया से आ रहे हैं, तो मैंने बहुत सारा सामान मैंने वहाँ से मंगवाया है बेबी के लिए, लेकिन फिर भी मुझे डाउट था कि मम्मी पापा जब यहाँ आएंगे उससे पहले क्या पता बेबी आ जाए, तो उसके लिए मैंने पहले प्रिपरेशन कर रखी। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से खरीदी, तो गाइज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है, और मैं ये भी शेयर करूंगी आपसे कि मैंने क्या क्या इंडिया से मंगाया है, क्या क्या चीज़ है, जो मैं आपको ऑप्शन भी बता दूंगी कि आप ये खरीदो और ब्रांड भी बता दूंगी, क्योंकि गाइज जब मैं शॉपिंग करने गई तो मुझे नहीं पता चला कि कौन सी ब्रांड के मेरे को खरीदने चाहिए, राइट। तो मैं एक बार तो जस्ट जाके सारी चीज़ें देख के आई और वापस आ गई, कुछ भी नहीं खरीदा मैंने ना, क्योंकि मैं इतना कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे खरीदना है, क्या करना है ना, क्योंकि वहां पर तो इतनी सारी वेराइटीज थी, मुझे नहीं पता चल रहा था कि कौन सी ब्रांड अच्छी है बेबी के लिए, कौन सी नहीं है। देन मैंने रिसर्च किया, सब कुछ पता किया, देन मैंने परचेस किया। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं कि मैंने सबसे पहले, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कार सीट ले लेनी। कार सीट लेना नहीं भूलना है, क्योंकि विदाउट कार सीट बेबी नहीं देंगे आपको हॉस्पिटल से। उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास कार सीट होगी तभी बेबी आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ग्रेको की कार सीट ली। इसी के साथ आपको स्ट्रोलर भी मिलेगा, तो आपको इमेज में दिख रहा होगा। मेरा असेंबल नहीं हुआ इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। कपड़ों में मैंने क्या क्या लिया है वो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैंने एक क्यूट सा सेट लिया है, वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये जो है लॉन्ग स्लीव का, मैंने ये टी शर्ट है ऊपर और उसी के मैचिंग कैप है, देन नीचे पजामा है अलग से, और ये इसके साथ ही शॉक्स जुड़े हुए हैं, तो एक सेट मैंने ये लिया है। फिर सेकंड चीज़ मैंने ये वेनेसिस ली है, आपको दिख रहा होगा 7 का सेट आता है पूरा, तो ये मैंने लिया है। इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये कुछ ऐसा दिखता है गाइस, ये छोटा सा क्यूट सा आपको दिख रहा होगा ना, तो ये वेनेसिस होता है। मुझे ये भी नहीं पता था वेनेसिस किसको बोलते हैं, राइट, तो इसको वेनेसिस बोलते हैं। तो ये चीज़ मैंने खरीदी थी। फिर थर्ड जो मैंने लिया है ये आपको दिख रहा होगा, ये क्यूट सा टी शर्ट है और इसके साथ में ये पजामी है छोटी सी, ठीक है, तो मैंने ये लिया है क्योंकि मुझे नहीं पता बॉय और गर्ल है, तो आप यूनिसेक्स कपड़े ले लीजिए। फिर फ्रेंड्स, मैंने विंटर के हिसाब से मैंने एक ये लिया है, ये आई थिंक साइज में मेरे को लग रहा है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, और नीचे इसके पजामी है, इसको मतलब इसके ही साथ है, और ये इसी इसके साथ हुडेड टी शर्ट है इसी के साथ में, तो बहुत क्यूट सी ड्रेस है ये, मेरे को सबसे अच्छी लगी। फिर ये गाइज मैंने 3 केप लिए, बहुत क्यूट क्यूट सी केप है, छोटी छोटी सी, तो ये मैंने 3 केप ली, और ये जो है वो मैंने वनेसिस जो मैंने आपको दिखाई ये वाली, इनके मैंने मैचिंग के हिसाब से लिए, तो ये आई थिंक इसके साथ मैच कर जाएगा, आपको दिख रहा होगा है ना। फिर गाइस बात आती है ब्लैंकेट्स की, तो मैंने ये आपको दिख रही होगी, ये ब्लैंकेट ली है मैंने। तो गाइस ब्लैंकेट में आपको ध्यान रखना है कि अंदर से जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि अंदर से मैंने ऐसी भी देखी थी वहाँ पे जो अंदर से सॉफ्ट नहीं थी, बेबी को लगे जैसी लगे, मतलब कि उसको कंफर्टेबल फील ना हो वैसी ना ले। नया बेबी आता है तो स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो उस हिसाब से आप जो है अच्छे से देख के लेना कि अंदर से सॉफ्ट हो, तो मैंने ये वाली ब्लैंकेट परचेस करी। सो सेकेंड ब्लैंकेट गाइज ये वाली है, तो ये भी आपको दिख रहा होगा कि अंदर से बहुत ये वाला कपड़ा है, सॉफ्ट है, तो ये वाली मैंने परचेस करी, तो मैंने 2 ब्लैंकेट लिए। फिर फ्रेंड्स मैंने ये 2 हुडेड टावल लिए हैं जिन पे हुडी है, और मैं एक खोल के दिखाती हूँ, ये हुडेड टावल कुछ ऐसा दिखता है, तो ये बहुत अच्छा सा क्यूट सा जो है वो टॉवल है, तो आपको टॉवल भी चाहिए होगा तो वो भी ले लेना। सो नेक्स्ट गाइज मैंने एक क्यूट सा स्वेडर लिया है, ये आपको दिख रहा होगा, तो इसका भी जो कपड़ा है वो बहुत सॉफ्ट है, तो आप एक मैंने एक ही लिया है स्वेडर, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में और ले लूँगी, तो ये मेरे को बहुत क्यूट लगा था तो मैंने ये वाला ले लिया है।
तो ऐसा स्वेडल ले लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बेबी को ऐसे स्वेडल करके सुलाते हैं तो बेबी बहुत कंफर्टेबल फील करता है, तो एक ऐसा ले लेना। फिर गाइज मैंने कपड़ों में क्या क्या मिस्टेक करी वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है ना कपड़े जैसे लिए, तो मैंने जैसे ये ड्रेस है राइट, तो इसमें अगर यहाँ पे बटन वाले होता है ना जैसे, तो वो ज्यादा इजी रहता है छोटे बच्चे को पहनाने के लिए, वो ज्यादा इजी रहता है। तो मैंने ये गलती करी कि मैंने एक भी ड्रेस वो वाली नहीं लिए जिसमें यहाँ पे बटन हो। फिर फ्रेंड्स मैंने कपड़े में आपको दिखा दिया है कि मैंने क्या क्या लिया है, बाकी के जो जैसे टी शर्ट्स पजामे वगैरह लेगिंग वगैरह जो भी है वो मैंने सारी इंडिया से मंगाई है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी लास्ट में कि मैंने क्या क्या इंडिया से मंगाया। कपड़े में मैंने जो आपको दिखाया वो मैंने एक बार इमरजेंसी के लिए मैंने ये परचेस किया है कि मेरे मॉम डैड आते हैं उससे पहले अगर बेबी आ जाता है तो फिर ये चीज़ें काम आ जाएगी है ना। नेक्स्ट जो है वो मैंने मिल्क बोतल ली है, तो मैंने गाइस ग्लास वाली ली है मिल्क बोतल, आपको दिख रहा होगा क्योंकि प्लास्टिक भी आप ले सकते हो इसी में, लेकिन ग्लास वाली जो है वो ज़्यादा बेटर रहती है, तो मैंने ग्लास वाली ली है। और मैंने कौन सी ली है देखो, फिलिप्स एवेंट की ली है, तो और सारे बहुत सारी भी ब्रांड होती है, तो मैंने स्टार्टिंग में जब मैं गई थी खरीदने तो मैं ऐसे ही एक बार तो वापस आ गई थी गाइस, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सी ब्रांड की खरीदनी चाहिए, कौन सी अच्छी होती है, प्लास्टिक अच्छी होती है ग्लास अच्छा होता है। तो गाइस मैंने ये प्लास्टिक की नहीं लेके मैंने ग्लास की ली है, फिलिप्स की ले सकते हो आप और दूसरे भी कोई ब्रांड में जा सकते हो, और फिलिप्स में भी प्लास्टिक की भी मिलती है तो वो आप ले सकते हो। मैंने जो है फिलहाल 120 ml की ली है, आप उससे छोटा होगा बेबी तब तक ये चलेगी। देन फ्रेंड्स अब बात आती है वाइप्स की, तो ये मैंने वाइप्स लिए हैं, और आप चाहे तो इनका पूरा बड़ा सा सेट भी आता है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो मैं बाद में लूँगी, मैं एक बार जस्ट ट्राई करने के लिए मैंने ये लिया है, अगर ये नहीं अच्छा हुआ तो मैं दूसरे ब्रांड लूँगी। और इसमें गाइज आपको ध्यान रखना है कि भी अल्कोहल फ्री होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब वहाँ से उठाया था तो मैंने मतलब थोड़ा बहुत अल्कोहल सब में आता है ना, तो आपको ये देखना है कि ये अल्कोहल फ्री होना चाहिए। फिर मैंने ले लिया था, देन वहाँ पे एक पेरेंट्स थे जो उन्होंने मेरे को बताया कि है ना ये आपने गलत चूज किया है, आपको न्यू बोर्न बेबी के लिए आप ले रहे हो तो अल्कोहल फ्री वाला लो, तो गाइज ये आपको ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात आती है डायपर की, कि आपको डायपर में कौन से डायपर खरीदने, तो मैंने कौन से खरीदे पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ और फिर क्या ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो है वो हगीज के डायपर लिए हैं, तो हगीज की जो है वो आप पेम्पर के भी ट्राई कर सकते हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स मिलती है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने अभी फिलहाल के लिए इतना ही लिया है, छोटा पैकेट लिया है, और देखो साइज में यहाँ पे N लिखा हुआ है, मतलब न्यू बोर्न के लिए ये, अगर 1 month के हिसाब से होगा तो वहाँ पे 1 लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो आप साइज ऐसा देख सकते हैं। फिर नीचे कुछ ये वेट भी लिखा हुआ होता है कि बेबी का कहाँ से कितना वेट होता है, तो आपको कौन सा परचेस करना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है गाइज मैंने डायपर में ही ये वाला भी लिया है, रास्कल प्लस फ्रेंड्स का, तो ये भी अच्छी ब्रांड है, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। तो मैंने 2 ब्रांड लिए, जो भी सेट होगी वो मैं ट्राई करूंगी, और पेम्पर भी मैं ट्राई करूंगी कि पेम्पर कैसा है राइट, क्योंकि वो भी अच्छी ब्रांड है। सो फ्रेंड्स डायपर खरीदते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जो डायपर जो है वो आप एक साथ बड़े ना खरीदें, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जैसे कभी कोई मोटा बच्चा होता है ना तो उसको न्यू बोर्न वाला नहीं आता है, और कभी क्या होता है कि जैसे बच्चा आपने मान लो हगीज ले लिया ठीक है बड़ा वाला, और बेबी को अगर वो सूट नहीं किया यानी कि उसके सेट नहीं हुआ, रैशेज हो गए, तो आपको हो सकता है ब्रांड भी चेंज करनी पड़े, ठीक है। तो अब बेबी आ जाए एक बार आप इमरजेंसी के लिए न्यू बोर्न वाला ले लो, देन अगर बेबी आ जाए उसके बाद उसके क्या साइज आ रही है, कौन सी ब्रांड उसके लिए सूट कर रही है, तो उस हिसाब से लेना, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एक साथ में बड़ा वाला नहीं लेना है वरना आपका वेस्ट हो जाएगा, अगर उसको वो साइज नहीं आई या फिर वो सूट नहीं किया तो। बात आती है गाइस कॉस्मेटिक की, कि बेबी के लिए कॉस्मेटिक में क्या क्या लेना है, लाइक शैम्पू लोशन वगैरह इनमें से आपको क्या लेना है, ठीक है, और कौन सी ब्रांड का लेना है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कौन सी ब्रांड अच्छी है यहाँ पे, है ना। तो मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेस किया है, क्या कौन सी ब्रांड करी राइट। तो सबसे पहले गाइज मैंने ये लिया है वॉश एंड शैम्पू, इसका जो अलग अलग भी आता है, वॉश का अलग आता है शैम्पू भी अलग आता है, तो आप वो भी खरीद सकते हो, और मैंने दोनों कंबाइन में लिया है, तो ये जो है एविनो बेबी का लिया है मैंने, तो ये अच्छा आता है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है गाइज लोशन की, तो लोशन जो है वो भी मैंने एविनो बेबी का ही लिया है, लोशन जो
है बहुत अच्छा है ये वाला। और गाइज इसमें आपको ध्यान रखना है कि फ्रेग्रेंस फ्री लेना है आपको, क्योंकि बहुत सारे फ्रेग्रेंस वाले आते हैं, तो ये भी चीज़ मेरे को नहीं पता थी, मुझे बताया कि ना फ्रेग्रेंस फ्री लेना है, देन मैंने यहाँ पे पढ़ के फिर लिया है कि फ्रेग्रेंस फ्री है या नहीं। फिर नेक्स्ट जो बात आती है गाइज ऑयल की, तो मैंने जॉनसन्स बेबी ऑयल लिया है, ये भी आपको फ्रेग्रेंस फ्री लेना है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो गाइस ऑयल में मैंने ये वाली बोतल ली है, आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, कुछ और चाहे तो भी आप ले सकते हैं, आमंड ऑयल वगैरह ये भी सब यूज़ करते हैं, बट मैंने ये वाला यूज लिया है, तो आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप ये ले सकते हैं। फिर गाइस मैंने एक चीज़ लिए, वो ये सूडो क्रीम ली है मैंने रैशेस के लिए, कि बेबी को अगर डायपर से रैशेस हो जाता है तो ये वाली क्रीम ली है मैंने। मैंने एक बार छोटा ही पैक लिया है, छोटा जो है वो ही लिया है, फिर अगर मेरे को ज़रूरत होती है तो मैं फिर बड़ा वाला भी ले लूँगी, मैं ट्राई करने के लिए मैंने एक बार ये लिया, ये अच्छा आता है, मुझे ये सजेस्ट किया था कि सूडो क्रीम ये अच्छी आती है, तो मैंने ये वाला लिया। फिर नेक्स्ट बात आती है गाइस की फीडिंग के लिए, जो हम मिल्क लेते हैं ना, जो फीडिंग के लिए जो फॉर्मूला लेते हैं, तो वो कौन सा लेना चाहिए, कौन सा अच्छा होता है, और कैसे लेना, पाउडर वाला लेना है या लिक्विड वाला लेना है, तो ये भी मैंने वहाँ पे देखा, दोनों ऑप्शन थे, तो मेरे को कन्फ्यूजन हुआ कि विच वन इज़ बेटर, है ना, और कौन सा हमको लेना चाहिए अभी के लिए। तो उसमें गाइज आपको कौन सा लेना चाहिए, मैंने कौन सा लिया है वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये वाला जो है इम फॉर्मूला A+ वाला जो है वो मैंने लिया, बड़ा सा बॉक्स है ये। इसमें क्या होता है कि आपको ये वाली जो है वो लिक्विड फॉर्म में है ना, स्टार्टिंग में जो है वो आपको लिक्विड फॉर्म वाली बोतल ही लेनी चाहिए, उसके बाद कुछ थोड़े टाइम बाद आपको पाउडर वाला जो आता है, इसी का आता है पाउडर में भी, तो आप वो ट्राई करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए वो ये बोतल जो रेडीमेड आती है वो बनाई हुई, तो वो ही बेटर है। तो फिलहाल जो है इमरजेंसी में जो जो चीज़ें चाहिए वो मैंने परचेस कर ली है सारी, और बहुत सारी जो है वो चीज़ें मैंने इंडिया से मंगाई है, और गाइज मेरे पास लिस्ट है तो मैं आपको बता देती हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं, जो अगर आपका इंडिया से कोई नहीं आ रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो और आपको परचेस करनी पड़ेगी। जो फर्स्ट जो है वो एक आप जॉनसन्स का बेबी पाउडर ले सकते हैं, वो भी फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर जो है एक बेबी बाथ टब आता है, वो मैंने नहीं लिया है, ना वो इंडिया से आ रहा है, बट देखते हैं जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगी, है ना। फिर जो प्लास्टिक शीट्स आती है नीचे बिछाने वाली, तो 5-6 वो ले लें। फिर जो है शॉक्स, मिटन्स, जो हाथ के ग्लव्स होते हैं ना, तो वो वाले ले लें, पैरों के शॉक्स ले लें, फिर लेगी और लेगिंग्स ले लें, और टी शर्ट शर्ट वगैरह ये ले लें। फिर स्लीपिंग सेक आता है, जो जिसमें जैसे मैंने स्वेडल लिया है, तो स्वेडल में उसके हाथ भी कवर हो जाएंगे, राइट। और स्लीपिंग सेक आता है, उसमें क्या होता है कि यहाँ से जो यहाँ तक ही होता है, मतलब उसके हाथ फ्री रहेंगे, ठीक है, तो वो स्लीपिंग सेक भी आप ले सकते हैं। फिर जो है जंप सूट और थर्मल, फिर बीप्स, बिप्स भी मेरे इंडिया से आ रहे हैं, बाकी मेरे सारे सामान जो है वो इंडिया से आ रहे हैं। फिर आप जो है नेल कटर, कॉम, ये चीज़ें भी ले लें, नेल कटर और कॉम, कॉम वो अभी नहीं करना है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में काम आएगा, लेकिन आप ले सकते हैं, ठीक है, और नेल कटर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ले लें। फिर थर्मोमीटर ले लें, फिर बेबी के लिए जैकेट, ठीक है, तो ये भी ले लें। फिर एक अगर आप कनाडा में रह रहे हो तो आप बेबी ऑन बोर्ड का स्टिकर जरूर ले लें, जो कार पे चिपकाने के लिए है ना, क्योंकि यहाँ पे लगाना होता है ना, कि अगर आप कार के पीछे लगाना होता है बेबी ऑन बोर्ड, तो इसका मतलब ये कि पीछे जो भी चल रहा है वो ध्यान रखेंगे, राइट, कि आगे गाड़ी में बेबी है, ठीक है। फिर जो है गाइज विटामिन डी की बेबी की ड्रॉप आती है, तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं, तो वो मुझे करनी है, मैं भूल गई एक्चुअली। तो गाइज ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दी, मैंने क्या क्या खरीदा वो भी, और इंडिया से क्या क्या आ रहा है वो भी, और भी क्या चीजें हैं जो आपको लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने बहुत कुछ इंडिया से मंगाया है बेबी के लिए, तो वो सारा वहां से आएगा, और अगर आपका कोई नहीं आ रहा है गाइज तो आपको यहीं से परचेस करना पड़ेगा, तो आप पहले परचेस कर लें, क्योंकि बाद में यहाँ पे कोई नहीं होगा, क्योंकि आप जा नहीं सकेंगी बाहर, और कौन खरीदेगा, राइट, ये सारी चीजें। तो आपको ये सारी चीजें जो है वो परचेस कर लेनी। मेरे वीडियो शेयर बनाने का मोटिव ही यही है कि जो न्यू मॉम है उनको पता चले कि यहाँ पे कौन सी ब्रांड की कौन सी चीज कैसे खरीदनी है ना, कि आपको कोई बता देगा कि ये चीजें लेनी है, राइट, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि कौन सी ब्रांड अच्छी है, कौन सा जो है कैसे खरीदना है, क्या करना है, तो वो आपको नहीं पता होता है। तो इसलिए मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया, ताकि आपको शायद कोई हेल्प मिल जाए।
मेरे वीडियो के थ्रू कि आपको कौन कौन सा खरीदना है। तो एज ए न्यू मॉम मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो और भी आगे क्या एक्सपीरियंस करती हूँ मैं वो भी शेयर करूंगी आपके साथ। तो गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, जो भी न्यू मॉम बनने वाली है उनके साथ शेयर कर दो।